गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि गाइज आज हमारे पास यहाँ पर एक बड़े से शीशा का बॉक्स है, और ये बॉक्स जो है गाइज इसका हाइट लगभग 4 फीट है, और यहाँ पर ये काफी ज्यादा मोटा भी है। आज हम क्या करने वाले हैं गाइज, यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा है, और इस गड्ढे के अंदर यहाँ पर देखो ये बड़ा सा शीशे का बॉक्स डाल देंगे, और इसके अंदर हम चले जाएंगे, और हमारी जितने भी टीम मेंबर है हमें मिट्टी से दफन कर देगा इसके अंदर। हम रहने वाले हैं इसके अंदर पूरे रात। अब देखना ये रहता है इसके अंदर हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाइस जब कोई इंसान किसी टनल के अंदर या फिर किसी जमीन के अंदर या फिर बोरवेल के अंदर फंस जाता है तो उसके साथ क्या क्या समस्याएं आती, इन सारे समस्याओं का आज हम क्लियर करने वाले हैं। और मुझे भी आइडिया नहीं है कि इसके अंदर जाने के बाद हमारे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि भाई ये एक कांच की बॉक्स है, और कांच का बॉक्स अगर इतना भी मजबूत हो तो वो टूट सकता है। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, ये सारे रिस्क लेने वाले हैं और इस कांच के बॉक्स के अंदर दफन होने वाले हैं। मुझे आइडिया है गाइज हम इसके अंदर जो है पूरी रात सरवाइव कर सकते हैं, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन गाइज आगे कुछ भी हो सकता है। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसके लिए जो लाइक का बटन होता है उसे दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम कर दें इसकी तैयारी शुरू। गाइज फाइनली बहुत ही मुश्किल के बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने गड्ढे के अंदर जो शीशा का बॉक्स है उसे एडजस्ट कर दिया है। अब क्या है गाइज इसके अंदर हम जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन गाइज इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर जाने के बाद हम अच्छे से बोल पाएंगे या फिर नहीं बोल पाएंगे, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा ठंडा होगा या फिर काफी ज्यादा गर्म होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। इसलिए गाइज नॉर्मल सी कॉस्ट्यूम पहन के जा रहा है, कोई भी अभी ठंडा का मौसम काफी ज्यादा चल रहा है तो कोई भी ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहा है, यहाँ नॉर्मल कॉस्ट्यूम है। और साथ ही साथ अपने सुरक्षा के लिए यहाँ पर गाइज हमारे पास एक हैमर है, यहाँ पर देखो एक हथौड़ा हमने ले लिया है, ताकि कोई भी सिचुएशन जैसा इमरजेंसी आता है तो इससे हम तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ खाने के लिए भी हमने ले लिया है, यहाँ पर देखो गाइस कुछ चिप्स वगैरह है, और यहाँ पर हमने पानी भी ले ही लिया है। अब चलो गाइस इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का जो माहौल है वो कैसा है, और किस तरीके से अंदर जो है हम पूरे 12 घंटे रुकने वाले हैं। गाइज यहाँ तक तो आ गया, लेकिन इसके अंदर कैसे उतरूं? गाइज पिछले 10 मिनट से मैं यही सोच रहा हूँ कि इसके अंदर मैं कैसे उतरूं। हाँ ये कर लो पहले। गाइज फाइनली यहाँ पर जुगाड़ मिल चुका है, अब इसकी मदद से यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो है हम उतर सकते हैं। और गाइज बहुत ही मुश्किल के साथ फाइनली जो है हम इसके अंदर आ चुके हैं, और गाइज फाइनली यहाँ पर हम शीशे बॉक्स के अंदर आ चुके हैं, लेकिन भाई ऊपर से अभी शीशा लगा भी नहीं है और यहाँ पर आवाज जो है अभी से ही गूंज रहा है। तो गाइज आई डोंट नो कि हम इसके अंदर पूरी रात किस तरीके से रहने वाले हैं। वैसे तो गाइज यहाँ पर स्पेस काफी ज्यादा है, आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेस जो है वो अभी तक बहुत ही ज्यादा है, लेकिन भाई इसके ऊपर जब मिट्टी पड़ेगा तब देखना ये रहता है कि क्या होता है अंदर। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास एक टॉर्च है जो इमरजेंसी समय में काम आने वाला है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर। तो गाइज ये जो टॉर्च है ये हमें यहाँ पर लाइट देगी, और जैसे ही गाइज यहाँ पर मिट्टी डलेगी तो यहाँ पर पूरा जो शीशा है वो अंधेरे में आ जाएगी। भाई डाल दे ऊपर से मिट्टी। और गाइज फाइनली यहाँ पर ऑल आर सेट, यहाँ पर देखो भाई ऊपर से शीशा भी लग चुका है, लेकिन भाई इसके अंदर अभी आवाज जो है वो काफी ज्यादा गूंज रहा है। तो गाइज यहाँ पर टेपिंग हो रहा है और देख सकते हो यहाँ पर। और गाइज फाइनली इस चैलेंज की असली शुरुआत जो है अब हो चुका है, हम जो है शीशे बॉक्स के अंदर कैद हो चुके हैं। यहाँ पर देखो गाइज जो टाइम है वो फाइनली 5:07 शाम को हो चुका है, और भाई 12 घंटे की चैलेंज है तो सुबह हमें 5:07 में जो है इस चैलेंज को एंड करना है। अब तक जो चैलेंज था वो काफी ज्यादा नॉर्मल चल रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट शीशे से मैं बाहर भी आराम से देख सकता था, लेकिन गाइज अब होने वाला है इस सर्वाइविंग का सबसे ज्यादा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो है मिट्टी डालना अब स्टार्ट हो चुका है, अपनी टीम जो है वो मिट्टी डालना स्टार्ट कर दी है। और गाइज मुझे जो है सच में बताऊं तो थोड़ा सा डर लग रहा है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर हम शीशे बॉक्स के अंदर है और मिट्टी भी डालना है, यहाँ पर इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और गाइज कुछ ही समय के बाद यहाँ पर अब तो यहाँ पर दिख रहा है गाइज, अभी भी दिख रहा है यहाँ पर रोशनी, लेकिन गाइज कुछ ही समय के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, मैं आप ये टॉर्च और यहाँ पर कुछ कुरकुरे, बस इतना ही कुछ हमारे साथ रहने वाला है 12 घंटे के लिए। Thank you.
और गाइस फाइनली बॉक्स के अंदर अब जो है हम पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस चारों साइड से यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी है, चारों साइड यहाँ पर ऊपर देख लो नीचे देख लो हर जगह जो है मिट्टी से ढक चुका है। अब जो है हम एक मिट्टी के अंदर दफन हो चुके हैं और आई डोंट नो गाइस अब जो है हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि गाइस शीशे जो है ना जैसे ही मिट्टी डाल रहा है तो बहुत ही तगड़ी स्पीड से दब रही है और यहाँ पर प्रेशर के कारण देखो गाइस नीचे जो है शीशा टूट भी चुका है। यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो शीशा जो है यहाँ पर क्रैक हो चुका है और भाई मुझे तो अब डर लगने लगा है कि भाई यहाँ से शीशा न टूटे या फिर यहाँ से न टूटे। दुआ करो कि यहाँ से शीशा न टूटे। भाई वास्तव में इसके अंदर तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, जैसे मैं ऊपर था उस टाइम तो ऐसा डर नहीं लग रहा था, लेकिन गाइस जैसे इन लोगों ने मिट्टी डालना स्टार्ट किया और पूरा मिट्टी कंप्लीट यहाँ पर देखो गाइस डल चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस सारे जगह जो है शीशा वो भींग चुका है। ऐसे तो गाइस काफी लोग मर के भी मिट्टी के अंदर मतलब इस तरीके से बॉक्स के अंदर नहीं जा पाता है, लेकिन गाइस हमें जो है जिंदा यहाँ पर दफन कर दिया गया है। और भाई क्या ही बताऊं, यहाँ पर लगभग आए हुए आधा घंटा ही हुआ और काफी ज्यादा यहाँ पर गर्मी आ चुकी है। यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर दीवार के ऊपर यहाँ पर शीशे के ऊपर काफी सारे पसीना आ चुका है और अच्छे तरीके से ये भींग चुका है, सारे जगह जो है वाश भी वाश को बन चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्विंस करना क्योंकि गाइस यहाँ पर आवाज जो है वो काफी ज्यादा गूंजती है तो शायद आप लोगों को अच्छे तरीके से हमारी वॉइस जो है वो नहीं सुनाई दे पा रहा होगा, लेकिन फिर भी गाइस हम कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छे तरीके से बता पाए और सिचुएशंस जो है यहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो सारे जो चीज है वो अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर पाए। और गाइस यहाँ पर हम सर्वाइविंग कर ही रहे थे लेकिन भाई बीच में यहाँ पर देखो एक चूहा आकर इसके अंदर फंसा हुआ है। वो तरीके गाइस ये अपने घर ढूंढ रहा है, इतना ज्यादा अभी ठंडी चल रहा है ना यहाँ पर, बाहर काफी ठंड होगा इसीलिए गाइस यहाँ पर चूहा जो है वो घुस चुका है यहाँ पर। और गाइस फाइनली हमने इस कब्र के अंदर पूरे एक घंटे कंप्लीट कर दिए। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस 6:08 हो चुका है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक घंटे इसके अंदर बिता दी, क्योंकि भाई मरने के बाद तो लोग कब्र के अंदर होते हैं, हम तो जिंदा कब्र के अंदर यहाँ पर टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ का माहौल देख कर ही समझ सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा मुश्किल है रहना। मात्र एक छोटा सा हमने यहाँ पर हॉल कर रखा है, यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर गाइस एक पाइप लगा है ताकि हमें एयर थोड़ा बहुत मिल सके। पांव बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, एक घंटे के अंदर ही यहाँ पर घुटनों के अंदर दर्द आ चुका है, क्योंकि गाइस यहाँ पर देखो पांव भी नहीं हम फैला सकते और ऐसे ही मुड़ा रहेगा पांव। तो गाइस देखते हैं कितना टाइम तक और यहाँ पर हम एक्सपेंड कर पाते हैं। गर्म सांस आ रहे हैं यहाँ पे। गाइस फाइनली हमने जैसे तैसे यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम निकल दिए, अभी रात गाइस काफी ज्यादा हो चुकी है। मुझे उम्मीद है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 10:31 फाइनली रात का हो चुका है और गाइस पाँव जो है वो काफी ज्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि भाई मुड़ा है पाँव। यहाँ पर सबसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता है ना तो वो होता है सांस लेना। गाइस जैसे तैसे हमने काफी ज्यादा टाइम एक्सपेंड कर लिया और भाई मैं आपको टाइम दिखा दूं, यहाँ पर जो फोन है यहाँ पर देखो गाइस 2:00 रात को, छत से जो है पानी टपकना स्टार्ट हो चुका है। अभी का जो मौसम है वो बहुत ही ज्यादा ठंड है, बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रखी है लेकिन भाई अंदर जो है उमस आ चुकी है। ये इलाका सच में यार बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और जंगली तो है ही गाइस। पहले तो यहाँ पर आपको चूहा मैंने दिखाया था लेकिन भाई अब देखो, ओह माय गॉड गाइस यहाँ पर सांप है भाई साहब, लेकिन भाई शीशे के उस साइड है तो हमें डर नहीं है, लेकिन भाई साहब यार बिल समझ के कुछ भी घुस रहे हैं यहाँ पे और गाइस यहाँ पर ये हिल रहा है।
तो गाइस ये भी होता है सरवाइव के अंदर, आपको बहुत सारे चीजों को भी फेस करना होता है। शीशे से बाहर होता तो भाई यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। ऐसे ऐसे एडवेंचर चीज हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। ओके गूगल, अभी टाइम क्या हो रहा है? गाइस यहाँ पर जो टाइम है वो 3:33 रात को हो चुका है। और भाई साहब यहाँ पर मैं इस चैलेंज को एंड करता हूँ, क्योंकि भाई अब मुझ में इतना ज्यादा पावर नहीं रह चुका कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊँ। गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ सांस लेने का होता है। यहाँ छत से देखो गाइस, यहाँ पर पानी टपक रहा है। पाँव जो है ना वो मेरा कर चुका है। मैं जल्दी से जल्दी कॉल लगाता हूँ और भाई मुझे इस दफनाए हुए कब्र से जल्दी बाहर निकलना होगा। तो गाइस मैं यहाँ कब्र के अंदर फंसा हूँ और ये लोग फोन बंद करके सोया हुआ है। दूसरे को कॉल लगाते हैं। अबे भाई मुझे इससे बाहर निकल। तो भाई फाइनली वो लोग आ रहे हैं। ये लोग आ चुके हैं और मिट्टी खोदना भी स्टार्ट कर दिया है। अबे वहां पे सांप था गाइस। यहाँ पर सांप का सेफ तो है ही, सांप तो निकल गया यहाँ से। जल्दी हटा मिट्टी, जल्दी से जल्दी से। ओ तेरे के। तो गाइस फाइनली हम जो है शीशे से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमारे जितने भी टीम थी हमें इसके अंदर से बाहर निकाल लिया, हमें रेस्क्यू कर लिया गया है। जब हम शीशे के अंदर थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी। बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड लगना अब स्टार्ट हो चुका है। लगभग 1.5 से 2 घंटे और रहते और अपना जो चैलेंज था वो एंड हो जाता। और गाइस आई होप कि आपको ये सर्वाइव पसंद आई होगी। और गाइस हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना, और चैनल पर नए हो तो मेरे भाई लोग सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है गाइस, देखते आगे क्या होता है।